अब तक आपने देखा भगवान विष्णु द्वारा चले सुदर्शन चक्र से कालमुनि की मृत्यु देख सूक्ष्म रूपी कंस निराशापूर्ण क्रोधित होता है तथा दूसरी ओर कान्हा ब्रह्मदेव का अहंकार खंडित करने हेतु उनके समक्ष समानांतर ब्रह्मांड के बहुमुखी ब्रह्मदेवों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये देख ब्रह्मदेव दंग रह जाते हैं। अंततः महादेव शिव स्वयं गोकुल में पधार कर कान्हा से अपने यथार्थ स्वरूप में आने का आग्रह करते हैं। अब आगे प्रभु आपसे एक विनती है, अपनी बाल लीला छोड़ दो। अब समय आ गया है जब बाल लीला से निकलकर संसार की रक्षा करें। प्रभु आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं जो संसार की रक्षा कर सके। हाँ प्रभु, इस संसार और धर्म के रक्षक सिर्फ आप हो प्रभु, जिससे धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। रक्षा कीजिए, धर्म का स्थापना हो, अधर्म की नाश हो। जिस उद्देश्य के लिए मेरा अवतार हुआ वह उद्देश्य मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। कालचक्र की गति और दिशा अवश्य बदलूंगा। नए युग का प्रारंभ अवश्य होगा और उस यात्रा का प्रारंभ आरंभ होगा कालियानाग के मर्दन से। अब नाश होगा अधर्म, नाश होगा अधर्म और शंखनाद होगा, शंखनाद होगा धर्म की स्थापना, धर्म की स्थापना। कहती है चाहे मैं कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाऊं किंतु उसके सामने तो छोटा ही रहूंगा। मुझे ये समझ में नहीं आता फिर मैं बड़ा कब होऊंगा और बड़ा होके भी फिर क्या लाभ। रहूंगा तो मैया की ममता के आगे छोटा ही। वही तो एक बंधन है जिसके बंधन से मैं बंधा हुआ हूँ। ना तोड़ सकता हूँ बंधन को, ना तोड़ सकता हूँ उनकी सौगंध को। कालिया मर्दन के लिए मध्य मार्ग चुनना होगा जिससे मैया भी ना रूठे और कालिया का संकट भी टल जाए। गोपी
बताओ ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? कैसे पहुंचूं मैं काल्या नाग तक? क्या करूं कि मैया मुझे यमुना की ओर जाने से आज्ञा दे दे, जिससे मेरा वचन भी ना टूटे और मैया कक्ष में भी बंद ना करे, क्योंकि मैया के क्रोध से मुझे बहुत भय लगता है। कुछ सहायता करो ना गोपी। गोपी सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुमसे कब से बात कर रहा हूँ और तुम हो कि सुन ही नहीं रही हो, गेंद के साथ खेलने में मगन हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता, तुम ये सखी नहीं हो। ए गोले, क्या कहा? क्या मैं तुम्हारी सखी नहीं हूँ? हाँ, मैं इतनी बड़ी बात तुमसे पूछ रहा हूँ और तुम उनके ध्यान ही नहीं दे रही हो। खेलने में मग्न हो तो और क्या कहूँ? तुम्हारे अतिथि को ये जिससे मैं पूछता हूँ या परामर्श लेता हूँ? हाँ ग्वाले, शो तो मैं आई हूँ तुम्हारी समस्या को सुलझाने वाली। तुमसे कहीं अधिक बुद्धि रखती हूँ मैं। तो बताओ ना मैया को कैसे मनाऊं? कैसे मैया से यमुना की ओर जाने की आज्ञा लूं? ठीक है, जब इतनी ही विनती कर रहे हो तो बता देती हूँ। बोलो यह क्या है? गोपी, तुम मेरी समस्या का समाधान कर रही हो या शरीर के अंगों का नाम पूछ रही हो? ए बड़बोले, समस्या का हल चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए ना नच्छड़ी। तो बोलो सीधा सीधा जो मैं पूछ रही हूँ, यह क्या है? तुम्हारी उंगली और क्या? बिल्कुल सही, तुम उत्तीर्ण हो गए, दिख रही है ना? हाँ। अब इस पे अपना ध्यान केंद्रित करो। हाँ किया। दिख रही है? हाँ। अब? हाँ। अब? नहीं, हाँ किंतु स्पष्ट नहीं। गोपी, जब आंखों के इतना निकट ले आओगी तो कैसे दिखेगी? कनेक दूर रखो। उंगली जब तुम्हारे आंखों के बिल्कुल निकट आ गई तब नहीं दिखी ना? नहीं। तो बस यही है तुम्हारी समस्या, मेरी उंगली जैसी। कैसे? मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। ग्वाले, समस्या के समाधान के लिए समस्या को अपने समीप मत रखो। समीप रखोगे तो समाधान देख नहीं पाओगे, इसलिए समस्या को अपने से दूर रखो और समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित करो। गोपी, तुम्हारे कहने पर अब भी नहीं समझा। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मेरे कहने का अर्थ है कि तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे सामने है और तुम उसे देख भी नहीं पा रहे हो। तनिक अपनी बुद्धि और ध्यान का व्यय करो, समझ जाओगे। सहायता करने के लिए धन्यवाद गोपी, मैं सच्ची रखी। इस ग्वाले को क्या हुआ? वावरा के समान भागकर किधर जा रहा है? तुल्लो संसार वासियों, कालियाना काल है तुम्हारा साक्षात काल। और तुम भी सुन लो कंस, तुमने मुझे चुना था गोकुल वासियों के विनाश के लिए, किंतु मैंने जो किया है उससे पूरे संसार का विनाश हो जाएगा, संपूर्ण संसार का। इस अकल्पनीय सफलता के शुभ अवसर पर मुझे अपनी पत्नी को उपहार देना चाहिए। प्रसन्नता से खिल उठेगी वो। कौन है वहां? कौन है? किसमें इतना दुस्साहस कि मेरी प्रसन्नता के माध्यम बाधा डाले? कौन हो सकता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। अवश्य ही मेरा भ्रम होगा। कहाँ है मेरी सुगंध? मिल गई मादक सुगंध। सुनिधि आज प्रसन्न हो उठेगी,
कौन है? कौन है वहाँ? कौन हो सकता है नन्हे पांव वाला? मुझे जानना ही होगा। ए, रुको, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस कार्य के लिए आए हो? मैं पारस हूँ, यहाँ खेलने के लिए आया था। खेलने? पारस कौन? आपका पुत्र पारस। मेरा पुत्र? कार्यनाथ का पुत्र। हाँ पिताश्री, मैं आपका ही पुत्र हूँ, आपका ही अंश। मुझे नहीं पहचान रहे हैं आप? विष्णु! अब तेरे उस छल का परिणाम अत्यधिक भयावह होगा। इन्हीं चट्टानों की भांति संसार से तेरा अस्तित्व मिटा दूंगा। जब तक बच सकता है बच ले भगवान कंस के कोप से। अब वो समय दूर नहीं जब मैं आकाश पाताल एक कर दूंगा उसे ढूंढने के लिए। अब इस धरती पर ना तो बचेगा तेरा वो अवतार, ना तेरा कोई चिन्ह, ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त। ये संकल्प है, संकल्प भगवान कंस का, कंस का। महाराज की जय। सत्य है आपका लक्ष्य, आपका क्रोध और आपकी शक्ति का इस संसार में कोई जोड़ नहीं। भाले के एक ही प्रहार से विशाल का ये चट्टान को धूल में मिला देना वास्तव में सहज नहीं। ये कार्य कोई महाबलशाली ही कर सकता है और निश्चित रूप से वो आप ही हैं। किंतु रुक क्यों गई? क्षमा करे तो कहूं मैं। निर्जीव चट्टानों को धूल में मिलाना आप जैसे महावीर की क्रोध और शक्ति का अपमान है जो एक झटके में बरगद के वृक्ष को जड़ से उखाड़ सकता है। वो पत्तों और टहनियों को तोड़ने में क्यों समय व्यर्थ कर रहा है? तात्पर्य आपका सबसे पुराना और प्रबल शत्रु है ना विष्णु? सब जानते। तो आप सीधा विष्णु को अपना लक्ष्य क्यों नहीं बनाते? क्यों उसके अंश के पीछे भाग रहे हैं? कहना क्या चाहती हो? ये सत्य है कि पूर्व जन्म में आप अनभिज्ञ थे विष्णु के छल, कल और बल से, किंतु आज इस जन्म में आप उसके सारे गुण दोष जानते हैं, बचने का माध्यम भी और मारने का मार्ग भी। तो फिर चिंता किस बात की है महाराज? ये ज्ञान ही आपका विजय पथ होगा। इसलिए सीधा आक्रमण कीजिए विष्णु पर और उसको अपने चरणों में गिराकर कुचल डालिए और फिर इस सृष्टि का नियंता बन पूरे संसार पे अपना शासन करिए। और जहां तक उस अवतार की बात है तो मैं कालिया के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करूंगी कि गोकुल का कोई भी प्राणी जीवित ना रहे। ये वचन है केशनी का। असत्य है, तुम मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ पिताश्री, मैं आपका ही पुत्र हूँ। असंभव, सहस्त्र वर्षों से मैं अपने परिवार से मिला ही नहीं तो तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? सत्य बोलो मुझसे, मुझे सत्य बताओ, तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ खेलने आया था। झूठ, तुम मुझे ऐसे सत्य नहीं बताओगे। झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, मुझे सत्य सुनना है, सत्य बोलो। नहीं स्वामी, हमारा पुत्र झूठ नहीं बोल रहा है, बिल्कुल सत्य बोल रहा है। ये आपका पुत्र है, हमारा पुत्र है। सुनिधि, ये स्वामी
पुरुष मन को जानती हूँ मैं। स्त्री पे संदेह स्वाभाविक है, किंतु आप मुझ पे संदेह मत कीजिए। आपकी पत्नी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। वर्षों से आप नहीं थे, यह सत्य है। फिर ये पुत्र कैसे? यही शंका है ना आपके मन में? तो इसके समाधान के लिए आपको मेरे साथ आना होगा, ताकि मैं आपको उस सुगंध का परिणाम दे सकूं, जो आपकी अनुपस्थिति में सदैव मेरे साथ रहा और जिसका फल ये हमारा पुत्र है। आइए। क्या है स्वामी? यह वो मणि है जो माता कडरू ने हमें उपहार में दिया था। ये अनमोल मणि मैंने उस समय से संभाल के रखी है जब हम साथ थे। मैंने वर्षों आपके लौटने की प्रतीक्षा की, पर आप नहीं लौटे। किंतु मेरी ममता का ज्वार बार बार लौटता रहा, मैं सहन नहीं कर सकी और विचलित होकर मैंने ये मणि धारण कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पारस मुझे प्राप्त हुआ। हमारा पारस, पारस, और आज आपके सामने मेरा पुत्र, कालिया नाग का पुत्र। हाँ स्वामी। आओ पुत्र, हमारे अंक में आओ। संसार वासियों देखो, कालिया नाग का पुत्र मेरा राजकुमार कालिया नाग का उत्तराधिकारी से मिल गया है। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम भी प्रसन्न हो ना अपने पिता से मिलकर? मैं भी बहुत प्रसन्न हुआ पिताश्री। भगवान विष्णु का धन्यवाद। ओम नमो भगवते। क्या हुआ स्वामी? क्या सच में ये मेरा अंश है? ये आपका ही पुत्र है स्वामी। ये मेरा अंश नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। क्या हुआ, क्या किया है इसने? मेरे शत्रु गरुड़ के इष्ट विष्णु का जाप कर रहा था। ये कदापि मेरा पुत्र नहीं हो सकता। ये मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। समझ गए ना? हाँ काठा, मैं समझ गया। गोपी तुम भी समझ गई ना क्या करना है? ग्वाले तुम मुझे मत समझो और जाकर अपना नाटक करो। तुम दोनों फिर से झगड़ने लगे। जाठा ये समय झगड़ने का नहीं है। मैं कहाँ झगड़ रही हूँ? अच्छा बाबा ठीक है, तुम नहीं झगड़ रही थी। कान्हा तुम्हारी ये योजना सफल तो हो जाएगी ना? हाँ दाऊ हो जाएगी, पर जैसा मैंने कहा है वैसा आप लोग करेंगे तब। हाँ कान्हा हम वैसा ही करेंगे, अब तुम जाओ। ठीक है दो लोग ऊपर। लल्ला क्या चाहिए तुझे? कुछ नहीं मैया। और क्या कर रहा है तू? तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ मैया। अच्छा, मेरे साफ किए हुए बर्तनों को साफ कर कर हुँ? मुझे क्या पता मैया, किंतु जो तुमने मुझे सिखाया है मुझे तो वही स्मरण है। जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ रोग के कीटाणु नहीं आते, इसलिए साफ सफाई कर रहा हूँ मैया। अच्छा मेरी बताई बातें बड़ी याद है तुझे। ठीक अब तो बता दे क्या चाहिए तुझे। कुछ भी नहीं मैया। राधा। हाँ। फिर गया पानी योजना पर। लगता है ये ग्वाला ना बरबोला के साथ साथ बुद्धू भी है। जाने दो उसको, चलो चलकर हम तो अपना कार्य करें, कहीं तो काम बन जाए। चलो आओ
दाओ, मैं नहीं आ सकता। आप लोग जाकर खेलिए। लल्ला जा खेल ले, क्या हुआ? नहीं मैया, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लल्ला क्या बात है, बड़ी चिंता हो रही है आज तुझे अपनी मैया की? पापी भेजिए ना गोले को खेलने, आप कहेंगे तभी आएगा हमारे साथ खेलने। कान्हा आओ ना, तुम्हारे बिना खेलने में आनंद नहीं आता है, चलो ना। जा लल्ला, तेरा सखा तुझे इतना पुकार रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, जा। किंतु मैया को अकेला काम करते छोड़ते जाना भी तो अच्छी बात नहीं है, आप लोग जाइए ना। ठीक है,